जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान में मच जाता है खलबली व भारतीय सेना की शान बोफोर्स तोप का रिहर्सल रांची के मोराबादी मैदान में किया गया। वहीं इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल मोराबादी मैदान में 26 जनवरी को सुबह 9 बजे राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। मुख्य समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है। मंगलवार को सेना CRPF, ITBP, CISF, SSB, छत्तीसगढ़ पुलिस, झारखंड जगुआर, जैप, NCC सहित 15 प्लाटून के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। DC राहुल कुमार सिन्हा, SSP ने परेड की सलामी ली। SSP ने परेड के दौरान बरती जाने वाली सावधानी की जानकारी दी। DC ने सुरक्षा यातायात व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। कोरोना की वजह से 2 वर्ष मुख्य समारोह में सीमित लोगों का प्रवेश था, लेकिन इस बार समारोह स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ेगी। इसे देखते हुए सभी विभाग की ओर से आकर्षक झांकी प्रस्तुत की जाएगी। सेना द्वारा पहली बार बोफोर्स तोप का प्रदर्शन किया जाएगा। कारगिल में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले बोफोर्स तोप की रेंज 32 किमी है। 1 घंटे में करीब 42 राउंड फायर कर सकता है। ध्यान में रखते हुए आज फुल ड्रेस रिहर्सल का भी आयोजन किया गया और जो डिफरेंट प्लाटून्स हैं वो 18 तारीख से ही लगातार अभ्यास कर रही हैं, जिसका अंतिम अभ्यास आज हुआ और पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से पूरी परेड संपन्न होगी। गणतंत्र दिवस के दौरान सुरक्षा पूरे तरीके से चाकचौबंद रहे, इसको लेकर के पुलिस मुस्तैद है और लगातार एंटी क्राइम चेकिंग इसको ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। जितने भी होटल्स लॉजेज हैं शहर के अंदर में, उन सब जगहों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। सभी थानों को अलर्ट किया गया है। रिमोट एरियाज में जितने भी हमारे पिकेट्स हैं, जितने भी कैंप्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनको भी अलर्ट पे रखा गया है कि किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना ना हो सके। इसके अतिरिक्त गणतंत्र दिवस के दौरान किसी भी प्रकार से ट्रैफिक की व्यवस्था उत्पन्न ना हो, इसके लिए जो ट्रैफिक का जो भी प्लान है वो हम लोग ऑलरेडी मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं और पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार से जो परेड को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं जो दर्शकगण, उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। जी, अतिरिक्त बल हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है, चूँकि अभी लगातार ही अगर हम लोग देखें तो गणतंत्र दिवस का भी आयोजन हो रहा है, इसी दौरान सरस्वती पूजा भी है, क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया जा रहा है, तो इसके ध्यान में रखते हुए जिले के भी बल को भी लगाया जा रहा है, कुछ अतिरिक्त बल भी हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है। उन सभी बलों को और मैजिस्ट्रेट्स को अपने अपने स्थानों पर डिप्यूट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।